1997 के साल में, you know, the Lord appeared to me in a vision. और प्रभु मेरे सामने प्रकट हुआ दर्शन में. In the morning at 4:45 in the morning. और तड़के सुबह 4:45 के दरमियान, the Lord stood in front of me. और प्रभु बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए. He was none of the things that I saw in on the photographs and things. He was huge. और जैसे मैंने तस्वीरों में देखा था वैसा कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था. बड़े विशाल अट्टे कट्टे दिख रहे थे. He was so strong. बहुत ही मजबूत लग रहे थे. And he looked so dynamic. और बहुत ही अद्भुत भी वो दिख रहे थे. You see, church. देखिए कलीसिया. I was to seek the Lord early morning. और मैं तड़के सुबह पहले प्रभु की खोज किया करता था. And the Holy Spirit, the Lord said, "That's why I've come to you." और फिर प्रभु ने कहा इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ. Today, आज, as you seek the Lord, जैसे आप प्रभु की खोज करते हैं, you are going to receive some things that you even not thought about, not even imagined. और आप ऐसा कुछ पाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, न कभी कल्पनाएं की होंगी. Now the Holy Spirit is going to do all these things. और देखिए अब पवित्र आत्मा ये सारी चीजों को अंजाम देगा. And today I want to talk about five things. और देखिए आज मैं पांच चीजें आपको बताऊंगा. The Holy Spirit does. जो पवित्र आत्मा करता है. In every person who seeks Him. हर एक उस व्यक्ति की जिंदगी में जो उसकी खोज करता है. This teaching is not only for today. और ये शिक्षण जो है सिर्फ आज ही के लिए नहीं है. But you see, this teaching has been my life. मगर आप देखते हैं ये शिक्षण मेरी जिंदगी रही है. What will the Holy Spirit do the first thing? क्या चीज पवित्र आत्मा करेगा पहली चीज? You know, when the Holy Spirit comes in a person's life. देखिए जब पवित्र आत्मा कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है. The first thing he will bring God's presence and power. पहली चीज जो करता है वो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य को उसकी जिंदगी में लाता है. When the Holy Spirit comes, it's not just you get some goosebumps. और जब कभी देखिए पवित्र आत्मा तो इसका मतलब ये नहीं कि बस थोड़े रोंगटे खड़े हो गए. You will experience God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे. You will experience His power. आप उसकी सामर्थ्य का अनुभव करेंगे. You know, Moses, the man of God. और देखिए मूसा जो परमेश्वर का जन था. He told God. उसने परमेश्वर से कहा. He says, God, उसने कहा परमेश्वर, if you are not coming with us, अगर आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, then I don't want to go ahead, Lord. तो मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं. This is how it should be. और ऐसा ही होना चाहिए. We should say, God, हमें कहना चाहिए परमेश्वर, I want your presence. मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं. I want your presence in my life wherever I go. और जहां कहीं भी मैं जाता हूं मेरी जिंदगी में मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए. Whichever city I go, whichever state or country I go, I want you to be with me. और जिस शहर में भी, जिस राज्य, जिस देश में भी मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें. This was the hunger of the man of God Moses. और यही तो भूख थी परमेश्वर के जन मूसा की. That's why. इसलिए. He was so successful. वो बहुत ही कामयाब बना. Today. आज. It doesn't matter what your background is. इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी पार्श्वभूमि क्या रही है. You must have come from a very ordinary background like mine. और हो सकता है कि आप बड़े सीधे साधे पार्श्वभूमि जैसे कि मेरी रही है उस पार्श्वभूमि में से आए होंगे. You have nothing to boast about. आपके पास डिंग मारने के लिए कुछ भी नहीं है. No looks, nothing, nothing. कोई रंग रूप नहीं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं. But you can say today. मगर अगर आप कहते हैं आज, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, please come in my life. मेहरबानी करके मेरी जिंदगी में आ. You see, God will come with His presence in your life. तो आप देखते हैं परमेश्वर जो अपनी उपस्थिति के साथ आपकी जिंदगी में आएगा. There was a woman called Catherine Kuhlman. और एक महिला हुआ करती थी कैथरीन कुलमन जी. She was in love with this married man. और एक शादीशुदा व्यक्ति से बहुत प्यार करती थी. You see, when a person is in love, देखिए जब कोई व्यक्ति प्यार में पड़ता है, he, you know, head over heels, anybody understands? किसी को समझ में आ रहा है? They make certain mistakes. और उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं. God bless you if you haven't made any mistake. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे अगर आपसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं अभी तक. But you can't talk to such people. मगर ऐसे लोगों से आप बातचीत नहीं कर सकते. You cannot reason with them. और उनके साथ आप तर्क संगत नहीं कर सकते. They are so crazy in love. और वो प्यार में बहुत ही पागल होते हैं. They don't understand equations. और वो इस बात को समझते नहीं हैं. Catherine was like this. कैथरीन कुलमन जी भी ऐसी ही थी. And one day. और एक दिन. She said, Lord. उन्होंने कहा प्रभु. I want you to come in my life. मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आओ. Holy Spirit, I release myself to you. पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हवाले कर देती हूँ. At that time. और उस समय. The presence of God came in her life. परमेश्वर की उपस्थिति उनकी जिंदगी में आई. Nobody knew Catherine that time. और उस समय पर कैथरीन कुलमन जी को कोई नहीं जानता था. But from that day onwards. मगर उस दिन के बाद से. She became a person who shook the United Nations and Canada for Jesus. उन्होंने United Nations, संयुक्त राज्य को और कनाडा को यीशु मसीह के लिए हिला के रख दिया. When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, His presence will come. उसकी उपस्थिति भी आएगी. His power will come. उसकी सामर्थ्य आ जाएगी. Lift your hands and say, Holy Spirit, come. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा आ. Go with me to the book of Acts, chapter 1, verse 8. और निकालिए इस समय प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय आठवां वचन. Let's get the word of God. लेकिन आइए हम वहीं से शुरू करेंगे. It says, but you shall receive power. Somebody say power. When the Holy Spirit has come upon you.
परंतु तुम सामर्थ पाओगे कब जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सो टुडे व्हेन यू आर जस्ट सिंगिंग टू द लॉर्ड यू आई एम टेलिंग यू दैट पावर द डुनामिस पावर नॉट द एक्सूसिया डुनामिस एवरीवन से डुनामिस तो जब आप मिलके परमेश्वर की आराधना करते तो वो सामर्थ डुनामिस सामर्थ एक्सूसिया सामर्थ नहीं मगर डुनामिस सामर्थ द वर्ड डुनामिस is the place is the word from where we get the word dynamite aur dekhi dynamis jo shabd jo aaya hai isi mein se dynamite shabd humko milta hai that word power in the greek is dynamis aur samaj jo shabd hai wo yunani bhasha mein wahan par hai wo hai dynamis and you shall be witnesses to me in jerusalem in judea in samaria and to the ends of the earth aur fir vachan aage kehta hai aur jerusalem aur sari yahudiya aur samaria mein aur prithvi ki chhor tak tum mere gawah banoge so when the holy spirit comes to jab pavitra atma aata hai you will receive power ab सामर्थ को पाएंगे What must you do with that power? और उस सामर्थ के साथ आपको क्या करना चाहिए Just don't hatch it. बस उसे छुपा कर मत रखो Go. जाओ Go to your family. अपने परिवार में जाओ And pray in your house today. और अपने घर में प्रार्थना करो Don't आज put on that TV or the internet and just waste your time today take that anointing go to the people whom you love and pray in your house and you will see a great move of God in your house aur TV aur internet ko chalu karke apna samay barbaad mat kare us samarth ko aap pate hain to ghar mein jaye jo log yeshu ko nahi jante ja kar unke liye prarthna kare aur aap ek bade kamon ko dekhenge apne ghar mein you know one lady one day she came to me aur dekhi ek mahila ek din mere paas aayi and she said pastor mike aur aakar wo kehne lagi pastor michael ji after this service is sabha ke baad I'm going to get beaten by my husband मेरे पति मुझे पीटने वाले हैं But still I have come. मगर फिर भी मैं आई हूँ. And still I will go home. और फिर भी मैं वापस जाऊंगी. Because I love him so much. क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ. But I wish he could change. काश अगर वो बदल जाए. I'm so tired. मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ. And she showed me her marks, you know. और देखिए उनके वो निशान भी दिखाए उन्होंने. All black and blue. और पूरी तरह से काले और नीले पड़ गए थे. I couldn't say anything. मैं कुछ कह नहीं पाया. Here was a woman. यहाँ पर एक महिला को देखिए. Who was abused so badly. जिसे बुरी तरह से सताया जाता है, शोषण किया जाता है. But yet she hung on to a marriage because she loved this man. मगर फिर भी अपनी शादी को पकड़े हुए है क्योंकि उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती है वो. And she asked me a question. और उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा. Can God do something? क्या परमेश्वर कुछ कर सकता है? I said yes, sister. मैंने कहा हाँ मेरी बहन. The Holy Spirit can do it for you. पवित्र आत्मा आपके लिए करेगा. Very ordinary, you know, he's not sophisticated people like you. और बड़ी सीधी साधी औरत थी आपके जैसी प्रतिष्ठित नहीं. Who are too scared even to say hallelujah, thinking what the neighbor will say. और आपको इतना डर लग रहा हालेलुया बोलने की ये सोचते हुए कि आपका पड़ोसी क्या सोचेगा? If I scream loudly, अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगा, this man will think I'm nuts. और ये आदमी सोचेगा कि मैं पागल हूँ. So let me do it in a stylish way. Hallelujah. अच्छे तरीके से हालेलुया ऐसा बोल के करूँ? No. नहीं. When a dog is after you, how you will scream, man? जब कुत्ता आपके पीछे लगा हो तो कैसे आप चिल्लाएंगे? You'll forget all your style. आप अपनी सारी जो शैली को भूल जाएंगे. Hello, are you listening to me? Okay, आप सुन रहे हैं हमारी? So she went home. तो वो घर गई. And as this guy was sleeping, और जैसे वो व्यक्ति सोया हुआ था, she laid hands on him. उसने जाकर अपना हाथ उस पर रखा. Quietly. चुपके से. Hello. And she removed her hand. और फिर अपना हाथ हटाया. One prayer. एक प्रार्थना. Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्लीज टच माय हस्बैंड मेहरबानी करके मेरे पति को छू ले आई लव हिम सो मच मैं बहुत प्यार करती हूं उनसे दैट होल नाइट उस पूरी रात दिस गाय वाज टॉसिंग लाइक और ये व्यक्ति बस करवटें ही बदल रहा है यहां वहां मुड़ रहा है हेलो आर यू देयर आई एम नॉट किडिंग मजाक नहीं कर रहा हूं 4:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 4:30 बजे द गाय वेक्स हर अप एक्चुअली शी इज आल्सो नॉट स्लीपिंग और पति जो है अपनी पत्नी को उठाता है लेकिन दरअसल वो पत्नी भी नहीं सो रही थी कैन यू टेल मी व्हाट दे टेल यू इन चर्च वो पूछने लगा क्या आप तुम मुझे बताओगी कि वो कलीसिया में तुम्हें क्या सिखाते हैं शी थॉट उन्होंने सोचा दिस मैन अगेन इज गोइंग टू बीट मी नाउ कि ये आदमी जो अभी वापस मुझे पीटने वाला है 4:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 4:30 बजे दिस मैन इज सिटिंग नाइसली ऑन द फ्लोर और ये आदमी अच्छे से फर्श पे बैठा हुआ है शी इज सिटिंग ऑन द कॉट और वो खाट पर बैठी हुई है शी इज एक्सप्लेनिंग टू हिम और वो सब कुछ बता रही है उसे 5:00 5:10 समथिंग शी सेड और सुबह के 5:10 ऐसा कुछ हुआ तू माझ्यासाठी प्रार्थना करू शकतेस का फिर वो कहने लगा कि क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो क्या अ वुमन lays hands on her own husband ek mahila jo apne sage pati par haath rakhti hai he gets filled with the holy spirit wo pavitra atma se bhar sakta hai my friends mere dosto when the holy spirit comes in your life jab pavitra atma aapki zindagi mein aata hai he will come with his presence wo apni upasthiti ke sath aayega he will come with his power wo apni samarth ke sath aayega don't run after men insano ke piche mat bhagiye run after jesus yeshu ke piche bhagiye lift your hand and say holy spirit come apne haath lagaye boliye pavitra atma aa you will see changes in your life aap apni zindagi mein badlav dekhenge hallelujah boliye hallelujah we
part B, you can learn from men. और दूसरा हिस्सा ये होता है कि आप लोगों से सीख सकते हैं. You can learn from me. आप मुझसे सीख सकते हैं. But after this service, I'm not your God, so don't run after me. मगर सभा के बाद मैं आपका परमेश्वर नहीं, इसलिए आप मेरे पीछे मत भागो. Oh, you have to run after Jesus. Oh, आपको यीशु के पीछे भागना चाहिए. How many are receiving this? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इसे? Lift your hand and say, Holy Spirit. चलिए अपने हाथों पर उठाकर बोलिए, पवित्र आत्मा. I love you, Holy Spirit. मैं आपसे प्यार करता हूँ, पवित्र आत्मा. I want you in my life. मैं आपको चाहता हूँ मेरी जिंदगी में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. You know, David prayed. देखिए दाऊद ने प्रार्थना किया. Please open your Bibles. मेरे पास अपनी बाइबल खोलिए. Psalm 51 and verse 11. भजन संहिता का अध्याय 51 उसके 11वें वचन में. See what David prayed. देखिए यहाँ पर दाऊद ने क्या प्रार्थना की. Do not cast me away from your presence. मुझे अपने सामने से अपनी उपस्थिति से दूर मत निकाल दे. And do not take away your Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर. Notice the words presence and the Holy Spirit are in one verse. और गौर करें, उपस्थिति और पवित्र आत्मा दोनों एक ही वचन में आया है. His presence and the Holy Spirit, they go together. और देखिए परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ जाते हैं. How many of you are listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? So when the Holy Spirit comes on you, तो जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, you will have a deep, deep sense of His presence. तब आपके अंदर उसकी उपस्थिति के प्रति गहरी गहरी संवेदनशीलता आ जाएगी. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You know, when you're praying, can I teach you something? क्या आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ? You're not praying to get something out of God. और देखिए आप इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर में से आप कुछ निकालें. God, my daughter. God, my this. No. परमेश्वर मेरी बेटी. परमेश्वर मेरे ये. नहीं. You'll be so stressed out in prayer. और प्रार्थना में आप बहुत ही हताश हो जाते हैं अगर ऐसा करेंगे. But if you can lift your hands. मगर अगर आप हाथ उठाएं. And say, Lord. और कहें, परमेश्वर. I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ. Come on, say that. चलिए बोलिए ऐसा. Lord, I want to know you. प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ. Come Holy Spirit, I want to know you. आज आप पवित्र आत्मा मैं आपको जानना चाहता हूँ. And when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं, you will sense His presence so close. आप उसकी उपस्थिति को अपने बहुत ही करीब महसूस करेंगे. प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मेरे कुत्ते को ब्लेस कर, मेरे डॉगी को ब्लेस कर, मेरे इसको ब्लेस कर. एक दिन तो सब छोड़ के चला जाएगा रे. खुदा नहीं जानता कि इसको ब्लेस कर, उसको ब्लेस कर, इसको ब्लेस कर. First is, सबसे पहले है, you need to develop your relationship with the Lord. आपके लिए जरूरी है कि प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाएं. Tell somebody, किसी को बोलिए, develop your relationship with the Lord. प्रभु के साथ अपना संबंध मजबूत बनाएं. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Hey, no. Lord, give me a job. प्रभु मुझे नौकरी दे. प्रभु ये. After prayer, you're more stressed. और प्रार्थना कर लेने के बाद और भी ज्यादा दबाव में आ जाते हैं. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. Lift your hands and say, Holy Spirit. चलिए अपने हाथों पर उठाकर बोलिए, पवित्र आत्मा. I want to know you, Lord. मैं आपको जानना चाहता हूँ प्रभु. Thank you, Lord. This is how I learned from great prophets. और देखिए इसी तरीके से भाई ने बड़े-बड़े महान भविष्यवक्ताओं से सीखे हैं. I asked one great prophet. परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जिसे इन्होंने पूछा. I asked prophet Charles Ibrahim. भविष्यवक्ता चार्ल्स इब्राहिम जी से पूछा. I said, how do you prepare? इन्होंने पूछा कि कैसे आप तैयारी करते हैं? And he said, prepare, I just spend time with the Lord. उन्होंने कहा तैयारी करना, मैं तो बस प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता हूं. See, when you know a person, देखिए जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, when you know him, जब आप उसे जानते हैं, he can trust you with certain things. तब वो आप पर कुछ खास चीजों के लिए भरोसा कर सकता है. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? You don't entrust your precious things to anybody. और देखिए आप अपने मूल्यवान और कीमती चीजों को किसी को भी यूं ही सौंप नहीं देते. You only give it to the people whom you trust. आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं. That's how it is with God. परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है. His gifts, उसके वरदान, His power, उसकी सामर्थ, His all His goodies, और उसके सारे अच्छे चीजें. When you come to know Him, जब आप उसको जानने लगते हैं, oh, it will just flow into your life. Oh, ये सब आपकी ज़िंदगी में बहने लगेगा. It will just flow into your life. आपकी ज़िंदगी में बहने लगेगा. Wave your hand and say, Holy Spirit, come. अपने हाथ लहराते हुए कहिए, पवित्र आत्मा आ जा. In the name of Jesus, यीशु के नाम में. So the first thing the Holy Spirit brings is presence and His power. तो सबसे पहली चीज़ पवित्र आत्मा जो है अपनी उपस्थिति और सामर्थ को लाता है. It all begins with a relationship. मगर इस सब की शुरुआत होती है संबंध के साथ. Secondly, quickly, let's go now. दूसरी बात, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे. Go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 12. Open your Bible. और निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 12वें वचन में. Now we have received not the spirit of the world. Everyone says spirit of the world. सभी लोग कहते हैं संसार की आत्मा. But the spirit who is from God. वचन कहता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है. Two spirits are compared over here. देखिए यहां पर दो आत्माओं की तुलना की गई है. The first one, पहला है is the spirit of the world. संसार की आत्मा. And the other one is the spirit of God. और दूसरा जो है वह परमेश्वर का आत्मा. Now Bible saying now we have received the spirit of God. Why do we receive the spirit of God? और देखिए बाइबल कहती है कि अब हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है. लेकिन क्यों परमेश्वर की आत्मा को हमने पाया है? So that we may know the things that have been freely given to us by God. ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है. My friend,
मेरे दोस्तों, why the spirit of the Lord, why the Holy Spirit in your life? और क्यों प्रभु का आत्मा, क्यों पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आए? So that you will know the things that God has given to you. ताकि आप उन चीजों को जान सके जो परमेश्वर ने आपको दिया है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You see, the second thing the Holy Spirit does is. और देखिए, दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा करता है. He's a teacher. वो एक शिक्षक है. He will teach you. वो आपको सिखाएगा. How many understanding right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? You see, I came from a background where we used to speak, you know. Hindi, Marathi, you know, all that stuff. और देखिए, हम ऐसी पार्श्व भूमि में से आए हैं जहाँ पर हम हिंदी, मराठी सब बात करते थे. सब नहीं, इंग्लिश तो बात ही नहीं करते थे. And our English was like crazy, you know. और हमारा अंग्रेजी जो था एकदम ही ऐसा था. What man? If you hear our English, you'd forget to speak in English. And we thought we knew to speak in English. और हमें ऐसा लगता था कि हमें अंग्रेजी बोलनी आती है. Because we were in a, you know, come on. We were in some so-called Christian village. और क्योंकि देखिए हम जो मसीही गांव ऐसा कहलाता ना वहाँ रहते थे ना. Hello. And as I started coming into the Lord. और जैसे प्रभु में आना हमने शुरू किया. I knew that I couldn't. I thought I needed to speak in English. और मैं सोचा करता था कि मैं English बोलता हूँ. But my English was nuts. मगर मेरी अंग्रेजी बहुत ही बुरी थी. I'm telling you. मैं कहता हूँ आपसे. And one day the Holy Spirit said, "You have to write books." और फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हें पुस्तक लिखने की जरूरत है. Me, books? मैंने कहा मैं पुस्तक. My goodness. अरे बाप रे. And there the Holy Spirit started teaching me. और फिर वहाँ पर पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा. Friends, दोस्तों, many times you see. The Lord teaches me how to build a sermon, how to introduce it, what to say, when to say. My friend, I'm not an eloquent speaker like you guys. और देखिए बहुत बार देखिए पवित्र आत्मा सिखाता है कैसे संदेश तैयार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. और देखिए ऐसे आपके जैसे एकदम मशहूर वक्ता नहीं है. When to emphasize a point, how to present it, is the Holy Spirit is the teacher. और कैसे मुद्दे पर जोर देना है और किस तरह से पेश करना है, पवित्र आत्मा ही शिक्षक है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You know, some people write to me, Pastor, I read your book in New Zealand. Pastor, I read your book in UK. Hello, I said, Holy Spirit, thank you. Please be my teacher. और किसी ने ऐसा लिखा, पासबन जी आपकी पुस्तक को मैंने न्यूजीलैंड में पढ़ा है. दूसरे ने कहा कि मैंने आपकी पुस्तक को यूके में पढ़ा है. तो भाई कहते हैं पवित्र आत्मा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा शिक्षक बनने के लिए, मेहरबानी करिए मेरे शिक्षक बने रहिए. Are you listening, church? ओके, आप सुन रहे हैं कलीसिया? This is how you have to say, Holy Spirit, teach me. When you're reading the Bible, you know, just don't read the Bible with 2-3 concordances. First, you must say, Holy Spirit, teach me. और जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो बस 2-3 concordances साथ में मत पढ़ लीजिएगा. आपको कहना है पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You may be going for a new job tomorrow. हो सकता है कल आप किसी नई नौकरी पे जा रहे हो. Starting a new business. हो सकता है आप कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हो. Lift your hands and say, Holy Spirit, teach me. बस अपने हाथों पर उठा के बोलना, पवित्र आत्मा मुझे सिखा. And you'll be surprised. और आप चकित हो जाएंगे. How the Lord will start revealing things. और कैसे प्रभु आप पर चीजों को जाहिर करने लगेगा. आत्मा में देख रहा हूँ इस वक्त. I see like 1987. और मैं देख रहा हूँ एक ना एक 987 यानी कि 1987 का सन. I see like I don't know it was July, August. Will you just come in front right now? और मुझे पता नहीं कि जुलाई या अगस्त का महीना के बारे में मैं बता रहा हूँ, मगर मेहरबानी करके आप आगे आइए अगर आप व्यक्ति हैं. Because I've got a package to deliver to you from the Holy Spirit. और क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पैकेज है जो पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मिला है आपको सौंपने के लिए. Just come in front. Just come. आगे आइए इस वक्त. There is a Dakasanama. Just come in front. Run in front. Agaya, jaldi se agaya. Just run in front. Thank you, Lord. Dasanomo hote kase kama hata kare la son ko bohara bahada. There's a cancer patient being healed right now. और कोई कैंसर का रोगी इस वक्त चंगा हो रहा है. There's a cancer patient. और कोई कैंसर का रोगी इस वक्त चंगा हो रहा है. Being healed right now. चंगा हो रहा है इस वक्त. और जैसे आपने इस समय ज्ञान का वचन बताया, ये भाई कहना चाहते हैं कि अगस्त 1987 का सन कह रहे हैं. Just hold on. We don't run out of stock. Thank you, Lord. You are July.
your July, August, 7th, 4th. Thank you, Lord. You know, when I was seeing in the spirit, I saw you with a car. मैंने आपको कार के साथ देखा. I saw you with a car, and you're entering a new place of work. Says the spirit of the Lord to you. और प्रभु का आत्मा आपसे ऐसा कहता है कि कार्य के एक नए जगह पे आप कदम रख रहे हैं. When I came on stage, I wrote it down. What the Holy Spirit was showing me. मंच पर आए तो भाई ने लिख लिया जो परमेश्वर को दिखा रहा था. Because today God is, today it's all about a new season. और देखिए आज सब कुछ एक नए ऋतु नए दौर के बारे में है. What are you praying for? I am praying for a car. You told me before the service, right? No. Just outside the gate. Come on. No. Sure. Sure. Facebook. No. Email, Gmail, female, nothing. No. Nothing, right? Sure. Sure. No, because people think that, these people, they just talk before the service and things. Right. Sir, you're entering a new territory. You're entering into a new season. Somebody bless the Lord and shout hallelujah. I'm hearing, I'm coming to you. I'm hearing like Arpita or Arpana, something like this. Just come in front right now. Arpita or Arpana, something like this. Come in front right now. What's your name? आपका नाम क्या है? No, Arpita. What did I say? Arpana, Arpita. What's your name? Come in front. Aparna. No, I'm coming. The Lord is healing. Come in front. Don't worry. Come in front. Again, come in front. I got a word regarding marriage. और शादी के बारे में ऐसा वचन है भाई के बारे में. Arpita. Arpita. Wait a minute. We'll narrow it down. We'll narrow it down. Just a minute. Two of you. Among you, who's married? और आप दोनों में से किसकी शादी हो गई है? आपका नाम क्या है? Aparna. Your word. Arpita. What? Aparna. Among the two of you, who's praying for a marriage? No, we're talking about your. Give Jesus a shout, madam. Listen to me. चल यीशु को ज़ोरदार स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे. Listen, I'll tell you the reason. मैं देखिए आपको वचन बताते हैं. I wrote it down over here. I wrote it down. और भाई ने यहाँ लिख लिया. जैसे मंच पर आए. Jesus, here it is. Come here, brother. See, can you see this here? Thank you, Lord. Can you see? Here. You know, there is an ancestral house. और देखिए पूर्वजों का कोई घर है. This is an ancestral house. ये पूर्वजों का कोई घर है. The thing started from there. और इसकी जो चीज की शुरुआत वहीं से हुई. And the Holy Spirit told me just now. और पवित्र आत्मा ने बस मुझसे अभी कहा. Tell you that right now. आपको बताने के लिए इस वक्त. Something. That curse is breaking over your house today in Jesus' name. और किसी प्रकार का श्राप जो है आज आपके घर पर से टूट रहा है यीशु के नाम में. You are entering into your new season today. और आज आप अपने नए दौर में कदम रख रही हो. You know the Lord has seen your fasting. और प्रभु ने आपके उपवास को देख लिया है. The Lord has seen your fasting. प्रभु ने आपके उपवास को देख लिया है. You are seeking the Lord with fasting and prayer. आप प्रभु की खोज में लगातार करती रही उपवास और प्रार्थना के जरिए. I have seen you. And the Lord is opening a door for you in the name of Jesus. प्रभु कहता है ऐसा कि मैंने तुम्हें देख लिया है और प्रभु आपके नया दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम में. What is December? December. और ये दिसंबर क्या है? December. And I see a big door. I see a big door. अब भाई देख रहे हैं बहुत बड़े दरवाजे को. I see a big door. And you're traveling. You're traveling to somewhere like you know. You went across Gujarat. You went across some that side over there. I don't know why you're doing that. But the Holy Spirit is saying, is there a connection with Rajasthan, Gujarat, somewhere Jaipur or something like this? I don't know. I spoken to you just the other day. I don't even know your name. Thank you, Lord. The Lord is opening a door for you in that place. Says the Spirit of the Lord to you right Prabhu now. प्रभु का आत्मा आपसे कहता है कि प्रभु आपके लिए उस जगह पर दरवाजा खोल रहा है. Joshi, come Joshi, on. Joshi, ye Joshi kaun hai? Aage aaiye jaldi. You want to fix your marriage, Joshi. Jaldi se aage aaiye. Joshi. Who's that? Kya hai? Joshi, are you married? Yeah. We want to fix your marriage. Yeah. Lift your hand to the Lord. अपने हाथ उठाइए प्रभु की ओर. Every marriage that needs healing be touched right now in Jesus' name. हर एक शादी जिसको चंगाई की जरूरत है इस समय छू लिया जाए यीशु के नाम में. Lift your hands, receive healing in the marriage right now. अपने हाथ उठाकर अपनी शादी में चंगाई को ले लीजिए इस वक्त. Do you have a child? आपको बच्चा है कोई? Do you have a child? आपको कोई बच्चा है? I know.
there is a tuck tuck, something is happening in your marriage. Think what I was. Divorce. Don't worry. Do you know God is bigger than your problem? आप जानते हैं परमेश्वर आपकी समस्याओं से कहीं बढ़कर है. Thank you, Holy Spirit. Can I pray for this lady? क्या प्रार्थना कर सकते हैं इस महिला के लिए? Yeah, my mother. प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए? Yes, सुधा शर्मा. The Lord is healing her right now in Jesus' name. प्रभु को चंगा कर रहा है इसी वक्त यीशु के नाम में. I want to be honest. Listen, lady. Sunye. The Lord is healing your marriage. Prabhu aapki shaadi ko changa kar raha hai. The Lord is healing your marriage today. Even as the meeting gets over. Aur jab sabha khatam hoti hai. The Lord is healing your marriage right now in Jesus' name. Prabhu aapki shaadi ko changa kar raha hai isi waqt Yeshu ke naam mein. Somebody shout a hallelujah. Chillaega hallelujah. Do you know anybody in worldly? Worldly mein kisi ko aap jaanti ho? Worldly mein. You know the issue is they've already kicked you out. Aur mamla ye hai ki unhone pehle hi aapko nikal diya hai. I pray that your marriage gets healed, not tomorrow, day after tomorrow. Today, your marriage is healed in Jesus' name. Who is like Peppy, Peppy, Peppy? Peppy, Peppy, kon hai? Peppy, Peppy, Peppy. Who's Peppy? Who's Peppy? No, this is a man or something. His name is Puppy. Puppy, Puppy, come in front. Puppy, Puppy, Peppy, Peppy, Peppy. He's your husband. Somebody give Jesus a shout. My sister's name is Peppy. I know Pepe is a man. I wrote man. Who's Pepe? Who's where? Pepe, Pepe, man. I wrote man. Don't worry. I prophesied to you. Yes. That did you? He will be coming to our service. And he's come to my service. Do I know your name? I know Puppy. Sir. From today onwards, आज के दिन से, the grace of God is going to be upon your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी पर रहेगा. Today onwards, this man will be a blessing to your family. आज के दिन से ये व्यक्ति जो आपके परिवार के लिए आशीष रहेंगे. He's a good man. ये अच्छा आदमी है. Not because he's here. इसलिए क्योंकि ये यहाँ हैं. ये किसी के लफड़े में नहीं है. अपना काम भला और ये भला. He's like a horse. You're not a horse. You're like a horse. You just go straight forward, sir. Listen to me. From today onwards, every property matter which is stuck up be released in Jesus' name. अरे संपत्ति का मामला जो अटका पड़ा था छूट जाए इसके नाम.